हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। इससे पहले हम एक्सरसाइज 12.1 एंड 2 कर चुके हैं, ठीक है। और इस एक्सरसाइज को हम दो पार्ट में पूरा करेंगे। आधी प्रॉब्लम आज करेंगे, इसके आधी प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि PQ का मान 24 सेंटीमीटर, PR 7 सेंटीमीटर और O वृत्त का केंद्र है। इन्होंने इस तरह की फिगर दे रखी है, ये O वृत्त का केंद्र और R P, ये इसको मिलाया PQ 24, ये 24 है और ये 7, ठीक है। और ये निकालना मुझे छायांकित भाग, ये वाला भाग, ओके। इसका व्यास, असली बात क्या है इसमें, आपको व्यास गिवन नहीं है, ठीक है, इसका डायमीटर गिवन नहीं है। अब देखो, आपने 9th क्लास में सीखा था कि अर्धवृत्त में शीर्षकोण समकोण होता है, यानी ये कोण 90 डिग्री का होगा सेमी सर्कल में, ठीक है, क्योंकि डायमीटर है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, समकोण त्रिभुज है, तो इसमें PQ का मान निकाल लेंगे, ठीक है। PQ गिवन है, PR गिवन है और QR का मान मिल जाएगा, तो इसमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होगी जी, RQ का वर्ग बराबर PR का वर्ग प्लस PQ का वर्ग, यानी 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग 49 और ये 576 और 625, और RQ का मिल जाएगा 6 क्यूब 625 का वर्गमूल, यानी 25 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब निकाला आपको छायांकित भाग, ये वाला भाग निकाल दो वृत्त के क्षेत्रफल, उसमें से अर्धवृत्त में से मैं ये त्रिभुज कर दूंगा माइनस, ठीक है। तो छायांकित भाग भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त माइनस त्रिभुज आर पी क्यू, ये तो होगा, ये क्या होता है अर्धवृत्त, हाफ पाई आर स्क्वायर। आर क्या होगा, ये व्यास है, इसका आधा कर देंगे, बस सेमी सर्कल का सिर्फ उतार 1/2 पाई आर स्क्वायर। और त्रिभुज का क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार 7 और ऊंचाई होगी इसमें 24, ठीक है 12। इसको आप हल करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, और सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा, क्योंकि 7 कैंसिल होगा नहीं है, तो सॉल्व करके इसको 22/7 रखो और ये 12.5 यानी 625/4 यहाँ मिल जाएगा, माइनस 12/7 84 और हल करके इसका मान आपका लगभग मिल जाएगा 161.564 के आसपास आंसर मिलेगा वर्ग सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये वृत्त है सर्कल जिसका केंद्र O, इसमें दो सेकेंद्रित वृत्त हैं, एक ये है और एक इसके बाहर, और यहां पर एक त्रिज्याखंड बना हुआ है जिसकी त्रिज्या है 7 और एक अंदर है इसकी त्रिज्या है, मतलब बाहर वाले की 14 अंदर वाले की 7, ठीक है। तो हमें निकालना है ये शेडेड रीजन, तो क्या होगा, बड़े त्रिज्याखंड में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल 40/360 गुणा पाई आर स्क्वायर यानी 14 का वर्ग और 40/360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है सेक्टर का, ठीक है।
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा इसमें ये है ठीक है अपॉन 360 है फॉर्मूले में, और आर को रेडियस इसके ठीक है, नाइन जा तो पाई अपॉन 9 कॉमन ले लेते हैं, अंदर 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, स्क्वायर पुट कर दो 22 बटे 7, एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार घटा दो, 7 की 21 और 3 की 9, 7 दूनी 14 और 15 ये मिलेगा वर्ग सेंटीमीटर, इस तरह इसका आंसर होगा 154 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर। ओके इस तरह से एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 3 ये फिगर दे रखी है इस तरह से, एबीसीडी 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, इसकी भुजाएं 14 सेंटीमीटर ये वर्ग है यानी स्क्वायर, और इसको व्यास लेकर के एक अर्धवृत्त ऐसे खींचा गया है, और इसको व्यास लेकर अर्धवृत्त ऐसे खींचा गया है सेकंड सेमी सर्कल ऐसे, और मुझे निकालना ये वाला भाग है ना ये, इसमें आपको क्या करना है, पूरे वर्ग में से आप दो अर्धवृत्त यानी एक पूरा सर्कल माइनस कर दो, आधा वर्ग प्लस आधा वर्ग कितना होगा, पूरा वर्ग हो गया ना, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से स्क्वायर में से पूरा सर्कल माइनस कर देंगे, एक दो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा 14 मान गुणा 14 माइनस एक वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर होगा इसमें 7 ओके 196 माइनस 7 गुणा 7 7 से 7 और 196 माइनस 154 इस तरह से आंसर मिलेगा आपको 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर प्रत्येक, इसके एक केंद्र को एक शीर्ष को केंद्र लेकर के और 6 की त्रिज्या लेकर के वृत्त खींचा गया है इस तरह से ठीक है, और हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी समकुश निकालना है ठीक है, जो भी नजर आ रहा है पूरा वृत्त और ये वाला भाग ठीक है, तो इसका एक मिनट तो यह कि आप वृत्त में ये वाला भाग निकालते हैं, देखो ये कोण कितना है 60, तो ये कोण कितना बचता है 360 माइनस 60 300 ओके, और ये पूरा का पूरा ये समबाहु त्रिभुज, तो छायांकित भाग क्या होगा, भाग का क्षेत्रफल यानी मेजर सेक्टर बन जाएगा बड़ा त्रिज्याखंड यहां से यहां तक ठीक है 360 गुणा पाई आर स्क्वायर 6 का स्क्वायर ओके प्लस, और इसमें ये आ गया इसको छोड़ करके, और ये वाला भाग आ चुका है इतना यहां से लेकर के यहां तक, अब बचा ये वाला भाग है ना, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है रूट 3/4 गुणा भुजा का वर्ग गुणा 12 का वर्ग ओके, केवल इतने भाग को तुम्हें सॉल्व करना है और ये तुम्हारा आंसर मिलेगा। तीन से काट दिया इसको गुणा पाई और 36 प्लस रूट 3/4 और 12 गुणा 12 30 पाई और ये 36 रूट 3 ठीक है, और इसको सिंपलीफाई करके इसका मान रखो 3.14
36 में गुणा करोगे 1.73 की, और हल करके जो भी आएगा वो तुम्हारा उत्तर होगा। इतना काम तो आप खुद कर सकते हो, ठीक है, डू योर सेल्फ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है और बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें सेड रेंज फाइंड करना है इसमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, पूरे व्रत में से ये 4 चतुर्थांश यानी एक पूरा व्रत बन जाएगा, ठीक है। चतुर्थांश का मतलब 1/4 सर्कल होता है, 1/4 सर्कल होता है, और ये पूरा सर्कल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे स्क्वायर का क्षेत्रफल यानी 4 का वर्ग, इसमें से एक वृत्त हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 1 का वर्ग माइनस चतुर्थांश 4 है, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, ओके, 4 से 4 खत्म हो गए, और 60 माइनस पाई यहां से मिलेगा, पाई यहां तो 2 पाई, यही आंसर होगा तुम्हारा। 16 में से माइनस कर लो 2.314, और सॉल्व करके आपका आंसर मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ओके। अभी प्रॉब्लम है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस 32 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर एक डाल दिया हमने एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज इसके अंदर बनाया गया है। तो तुम्हें ये सेड रीजन फाइंड करना है, ठीक है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना होगा, ठीक है। मगर हमारे पास वृत्त का निकाल देंगे, त्रिज्या है हमारे उसके पास, ठीक है, लेकिन इसके लिए इसकी भुजा मेरे पास नहीं है, ओके, समबाहु त्रिभुज है। अब देखो कैसे करेंगे हम, ये सेंटर इसका यहां से ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर, ये अब चूंकि समबाहु त्रिभुज है, इसकी ये वाल साइड होगी, ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी, यानी एंगल हो जाएगा 30, ओके, पूरा 60 है तो 30 हो जाएगा, और ये समकोण त्रिभुज, ओके, और लंब इसको भुजा को बाइसेक्ट करेगा इसमें, ऐसे ही इधर देखो, ये 30 होगी, ओके, और ये 90। तो इसमें त्रिकोणमिति का यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसकी साइड फाइंड कर लेंगे। तो जो आधी साइड सब मुझे एक्स साइज की है, हम यूज करेंगे जब कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या 30 ले लो, और कॉस 30 की वैल्यू बेस एक्स हो गया, और हाइपो 32, तो √3/2 इसको कर ले जाओ इंटू 32x, 16√3 सेंटीमीटर बराबर एक्स। तो त्रिभुज की भुजा हो जाएगी, इसका डबल कर दो, 32√3 सेंटीमीटर, ओके, 32√3। अब निकाल देंगे हम छायांकित भाग यानी शेडेड रीजन, भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वृत्त में से माइनस कर देंगे त्रिभुज, यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर 32, और त्रिभुज √3/4, यानी संभव त्रिभुज है √3/4 साइड स्क्वायर, और साइड है ये 32√3 होल स्क्वायर, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप आंसर निकाल लेंगे, 32 का स्क्वायर भार कॉमन ले लो, तब मिलेगा आपको पाई माइनस √3/4, इसका स्क्वायर क्या होता है 1024, ओके। देखो 30 का स्क्वायर, 30+2 का होल स्क्वायर कर लोगे ना, तो 930 और 120+4, ओके, 1024। अब पाई की रख दोगे 3.14, और ये 1.732/4
3.14 माइनस 0.4 3 और ये माइनस करके इसका आंसर कर दोगे, गुणा कर दोगे इसमें और वर्ग सेंटीमीटर में आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पहले इसको माइनस करोगे और उसके बाद इसकी इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, और आपको उत्तर मिल जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से करना इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ABCD एक वर्ग है, ठीक है, ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने क्या किया, प्रत्येक कोने को है ना सेंटर लेकर के चार वृत्त खींचे गए हैं। अब वृत्त कैसे खींचे हैं, वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो आधी होगी 14 से, ठीक है, यानी 7-7 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी वृत्त की, त्रिज्या होगी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है सेंट्रीजन, ओके, अब देखिए कौन क्या होगा, 90 अंश, तो ये बनेगा चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट बनेगा। तो क्या करेंगे, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से चार क्वाड्रेंट यानी कि एक पूरा वृत्त कर देंगे माइनस, तो लिख दो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चार गुणा एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्र होगा भुजा का वर्ग यानी कि 14 गुणा 14 का वर्ग माइनस 4 गुणा चतुर्थांश होता है 1/4 यानी 90/360 पाई आर स्क्वायर, आर क्या होगा इसमें 7, ठीक है। अब इसको हल करके केवल आपको मान निकालना है 196 और 22/7 होगा 7 गुणा 7 और हल करके 7 × 2 = 14, 14 × 15 = 42, ओके, वर्ग सेंटीमीटर, ओके। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हुआ और अब हम इसका आखिरी क्वेश्चन करेंगे 8, बाकी 8 बचेंगे जो कल नेक्स्ट वीडियो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृति दौड़ने का पथ रेसिंग ट्रैक दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है, मतलब रेसिंग ट्रैक है ये, ठीक है, जहां बंदों को यहां दौड़ना है, ठीक है, ये सेमी सर्कल शेप में, ओके, और ये स्ट्रेट है इस तरह से पैरेलल, और इसकी लेंथ दे रखी 106 मीटर, तो ये 106 मीटर होगा और आंतरिक ये दूरी समांतर रेखाओं की यानी ये वाली दूरी 60 मीटर दे रखी है, ओके, तो इसे निकाल देंगे हम इसका त्रिज्या, ठीक है, आंतरिक यानी अंदर की आंतरिक अर्ध वृत्त की त्रिज्या क्या होगी 60/2 यानी 30 सेंटीमीटर, ओके, ये मीटर है ना 30 मीटर। तो पहला क्या निकालना है इसमें, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर पूरा लगाने में तय की गई दूरी, यानी अंदर अंदर एक चक्कर काटना है पूरा यूं और दूरी निकालनी है, ठीक है, क्या डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की पूरी, एक तो ये दूरी होगी यानी 106 और 106 ही मिल जाएगी, और ये क्या है इसका सेमी सर्कमफ्रेंस यानी आधा परिमाप है इसका, ठीक है, तो पहले का जो उत्तर होगा आंतरिक किनारों के अनुदिश तय की गई दूरी बराबर, एक तो ये वाला भाग हो, यह होगा पाई आर और ये भी पाई आर है ना यानी आधा सर्कमफ्रेंस प्लस ये दूरी यानी 106 प्लस ये दूरी
ये भी 106, ये होगा 2 पाई आर, ये होगा 212। तो 2 पाई की वैल्यू रख दो इसमें, 3.14 रख दो, और आर कितना है 30, 212 इन्हें गुणा कर लेंगे हम, 31.4 गुणा 6 212 24, 6×6 = 8, 6×3 = 18 जोड़ करके इसको 8×2 = 10, 8×9 = 10। 400 मीटर के आसपास दूरी बनेगी। ओके, उसके बाद पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रैक, इस ट्रैक का एरिया निकालना है तुम्हें, ठीक है। और इसमें 10 मीटर चौड़ाई भी है इसकी, देखो ये चौड़ाई 10 मीटर है। देखते ये बनेगा आयत यहां पर, ये ना ये, और एक आयत यहां बनेगा, तो ये बनेगा 106 × 10, 106 × 10, ये दुगना हो जाएगा। प्लस ये वाला, ये सर्कुलर रिंग होगी है ना, आधी रिंग यहां आधी रिंग यहां होगी, तो पूरी रिंग हो जाएगी। और वृत्ताकार रिंग का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 2×6 = 12, 2×1 = 2, और ये 22/7। आर का मान क्या होगा, देखो ये 30 है और 10 ये हो गया, 30 और 10 = 40, 40² - 30² 2×1 = 20, 4×3 = 7, 70 × 10। इसको हल करके आराम से आंसर मिलेगा 0, 2, 2×3 वर्ग मीटर। इस तरह इसका मिलेगा क्षेत्रफल, 4×3 = 20 वर्ग मीटर उत्तर होगा इसका, करेक्ट। तो इस तरह आज हमने 8 सवाल कराए, ये आप ठीक से कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी 8 सवाल कराए जाएंगे। थैंक यू।